तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक आपको पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तब पटवारी होमवर्क या तो चालू हो गए होंगे या दोस्तों चालू होने वाले होंगे, क्योंकि आज है 4 तारीख, 4 जनवरी, और कल से मुझे लगता है पटवारी के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मुझे भी आ रहे हैं, इसके अलावा कमेंट में भी आ रहे हैं कि सर इसका क्या है उसका क्या, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पटवारी का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। पहला जो स्टूडेंट है सर, रोजगार का। रोजगार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी आ रही है सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना रोजगार के आपका फॉर्म ही नहीं भरेगा। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर जो रोजगार है वो मेरा पुराना है और क्या वो एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने बाद, क्या मुझसे फॉर्म भरूँ? तो दोस्तों, यदि आपका रोजगार अभी जीवित है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप उसी से फॉर्म भरिए और उसको आप अपडेट करा लीजिए, ठीक है, आपको रिन्यू हो जाएगा वो, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये दोस्तों कि कुछ कुछ का रोज़गार पहले से होगा, ठीक है, या आपका नंबर आपने किसी और का नंबर डाल दिया होगा मोबाइल नंबर, तो आपके पास ओटीपी भी नहीं आएगा। तो आपको उस स्थिति में करना ये है कि आप अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का या अपने फैमिली में किसी और का नंबर से अपना रोज़गार पंजीयन बनवा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज़गार पंजीयन आपको जीवित रखना है, जीवित ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपायर हो गया, उसका नंबर आपने डाल दिया हो, पुराना प्रिंट रखा हो। अगर आपका पुराना प्रिंट रखा है तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, या आप नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाइए, एमपी ऑनलाइन वाले के पास, वो आपका चेक कर देगा कि जीवित है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, आप ये रोज़गार पहले ही बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है बहुत और रोज़गार बन भी नहीं पाते, ठीक है। अभी जो 25 तारीख लास्ट डेट थी, और बैंक के जब एग्ज़ाम भर रहे थे मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग में बैंक थे, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी, बहुत से स्टूडेंट भर भी नहीं पाए थे बहुत सारों के। तो रोज़गार पहले बनवा लीजिए। सेकंड जो ये है कि सर अदर स्टेट वाले का रोज़गार पंजीयन कैसे बनेगा, तो यदि अदर स्टेट वाले जितने भी हैं वो अपने यहाँ पे एमपी ऑनलाइन की जो जो भी ऑनलाइन वाले हैं आप उनके पास जाइए, अपने खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो। एमपी रोज़गार पंजीयन की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जाके आप आराम से इसको घर से बना सकते हैं। फीस उसमें कुछ नहीं लगती, जीरो फीस लगती है, बस आपको एमपी को स्टेट कोई एमपी का आपसे पूछेगा, आपको वो बताना होगा, ठीक है। और जब आपको सॉरी डिस्ट्रिक्ट बताना होगा एमपी का, और जब आपको स्टेट पूछा है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है तो उस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है, अदर पर क्लिक करनी है, समझ में आया? तो ऐसा आपको रोजगार बन जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सर एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ेंगे क्या? ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 पटवारी का अलग से भरेगा क्या? ग्रुप 2 का ही फॉर्म है वही भरेगा, पटवारी का अलग से नहीं भरेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर वाले के पास गए और उसने ABCDEFGHIJK ऐसे भर दिया, पछताओगे बहुत। इसलिए आपको करना क्या है, पहले आप जाइए उसकी नोटिफिकेशन देखिए, उसमें आप पटवारी के लिए आप एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन है तो आप पटवारी पर क्लिक करिए पहले नंबर पर। उसके बाद में जो जो प्रेफरेंसी आती हैं, RI वगैरह की जो वैकेंसी हैं, आप उनको भी टिक करिए। ऐसा ना हो कि किसी किसी एग्ज़ाम में कुछ और मांगा है, मान लीजिए स्टेट डिपार्टमेंट का कोई डिप्लोमा मांगा है या कुछ और मांगा है, और आपने उसको पहले क्लिक कर दिया, समझना। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, जो हमारे आदित्य श्रीवास्तव सर हैं उनके साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने जब समग्र विस्तार अधिकारी की वैकेंसी आई थी 2017 में, तो उन्होंने क्या है कि जो फॉर्म भरा था ना, तो उसमें प्राथमिकता में एक ऐसी पोस्ट भर दी थी जिसमें स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का सांख्यिकी विभाग का एक डिप्लोमा मांगा था, तो फिर उनका उनसे हो नहीं पाया था। इसलिए आप ऐसी गलती ना करिए, आप पहले देखिए विज्ञप्ति में क्या क्या उसमें लग रहा है, जाइए और उसकी प्रेफरेंसी कोड लिख लीजिए, और फॉर्म भरवाते टाइम आपको वही कोड उसमें डालना है, ठीक है, पोस्ट बाय पोस्ट के हिसाब से। तो ये हो गया कि आपको फॉर्म एक ही भरेगा लेकिन पोस्ट है बहुत सारी आपको चूज होंगी, क्लिक करना होगा आपको, तो उस पोस्ट कोड लिख लीजिए आप अपने पास, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मैं बता दूं तो आप कमेंट करिए, यदि 10-15 कमेंट आ जाएंगे तो मैं वो भी वीडियो अलग से बना दूंगा पोस्ट के रिगार्डिंग। दूसरे राज्य वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आप रोजगार पंजीयन बनवा के दूसरे राज्य वाले आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है उसी में वो उनको एप्लीकेबल होंगे, बाकी किसी कैटेगरी का उसको उनको लाभ नहीं मिलेगा। बस इतना है, बाकी फॉर्म आराम से भर सकते हैं, बहुत सारे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भी हैं जॉब कर रहे हैं, कुछ राजस्थान के भी हैं मध्य प्रदेश में जॉब कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पहले पटवारी क्यों, क्या मैं फौजदार की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पटवारी के एग्ज़ाम की मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ रहा है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आ रहा है, इंग्लिश आ रही है, या फिर जो इंग्लिश उसमें भी आती है कंप्यूटर आ रहा है, रीजनिंग, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं खासकर मैनेजमेंट जो स्टूडेंट को हवा लग रहा है। इसलिए कुछ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की और वो पटवारी को स्किप कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करिए। मैनेजमेंट जो है बहुत सिंपल आ रहा है उसमें अभी तक, क्योंकि एक ही एक दो बार एग्जाम हुआ है मैनेजमेंट वाला,
सिलेबस वाला, तो आपको ये करना है कि पुराने जो ईयर के जो क्वेश्चन हैं लगभग वो आपको पूरे रटन रट्टा मार देने हैं, और यूट्यूब पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको वीडियो मिल जाए आप उनको देख मारिए, इतना मैनेजमेंट में कर लीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में करना क्या है आपको, आपको मैनेजमेंट में बस ऑब्जेक्टिव लगाने हैं ज़्यादा, कुछ बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए, कोई बुक आती है मार्केट में आप जितना अच्छा पढ़ सको पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ सको तो उसके चक्कर में आप पटवारी मिस ना करिए। मैं बता रहा हूँ, यदि किसी का मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस साइंस प्लस इंग्लिश हो, वैसे हिंदी वाले का इंग्लिश अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये इंग्लिश वाले का हिंदी अच्छा नहीं होता, तो ये के ले रहा हूँ, ये अगर तीन चार सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो गए, बाकी आपके जो सब्जेक्ट है उसमें एवरेज नंबर आ गए, तो आपकी नैया पार लग जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पारों पेपर निकाल लोगे। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट के चक्कर में आप इसको स्किप ना करिए, पहले आप इसकी तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस वही है जो पटवारी में है, तो पहले आप पटवारी की करिए अच्छे से, अपने आप हो जाएगी फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, हमारी क्लासेस चल रही हैं, साइंस की चल रही है, मेरी मैथ की भी चल रही है। अब क्या सर CPCET कंपलसरी है? दिस इज़ नॉट ए कंपलसरी, लेकिन ज़रूरी है CPCET। कब ज़रूरी है? आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आप पटवारी बन जाते हो तो आपको 2 साल के अंदर CPCET कंप्लीट करके देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको देनी नहीं है, आपको आप फॉर्म भरिए बढ़िया आराम से, आपके ग्रेजुएशन पेपर बेस पर फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद में आप आराम से पेपर निकालिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद 2 साल के अंदर आपको CPCET करनी है, जो कि सब कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों ये तो हो गया मतलब इस पटवारी का, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है तो आपको पता है कि फॉर्म भरने वाले हैं और एग्जाम आपका मई में है, तो बस लगे रहिए दिन रात और मस्त होकर तैयारी करिए, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, आप तो मन लगा के तैयारी करो, जितना होगा अपना एफर्ट लगाओ, बस टाइम बर्बाद कम करो, और जो दोस्त यार हैं उनसे थोड़ा सा कम मिलो, मस्ती कम करो, चौराहे पर जाके सिगरेट विगरेट पीने की आवश्यकता अभी है नहीं है, बाद में पी लीजिएगा, मैं कभी ना मना करता ना फोर्स करता, और मस्त रहिए, बने रहिए क्लास फर्स्ट चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।